दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सॉल्व कर रहे थे। तो पहले क्वेश्चन का जो पांच क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट हमने क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। जो फैक्टराइजेशन करके वहाँ से रूट इनका फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके बुक में जो दिया है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल वन। तो आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जाना होगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और वो सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप ध्यान से देखिएगा। तो अपने बुक में जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव टू 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव टू 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट एंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। तो चलिए इसको बताते हैं किस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को करते हुए आपको समझाते हुए चलूँगा मैं। चलिए यहाँ पे इस बुक को इधर रखते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, मानना होगा, क्या मानना होगा, लेट द नंबर नंबर ऑफ जॉन मार्बल जॉन्स मार्बल क्या है? मान लिया हमने बी एक्स मान लिया, ठीक है, कि मान लो कि जॉन के पास कितना मार्बल था, एक्स, ठीक है। देन देयरफॉर नंबर ऑफ जीवांती जीवांती मार्बल मार्बल इक्वल टू क्या, 45 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है। आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, यहाँ पे दिया गया है कि दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल लॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, ठीक है। 5 मार्बल लॉस करेंगे तो नया क्या कॉन्सेप्ट होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मार्बल जॉन के पास बचेगा, नंबर ऑफ जॉन मार्बल मार्बल्स कितना हो जाएगा, एक्स माना था तो यहाँ 5 प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स माइनस 5। इसी तरीके से आप यहाँ जीवंती का भी दिखाएंगे, जीवंती का भी, तो नंबर ऑफ जीवंती जीवंती मार्बल क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 45 में से 5 गया, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे हम क्या दिया है क्वेश्चन में पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल इज गिवन 124। आपको उसका प्रोडक्ट दिया गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, इक्वल टू 124। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर आप लिख ले सकते हैं, इट इज़ गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्बल इज 124। तो अब इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर ये 40x पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 40x, फिर इसका करिए 500 कितना होता है 20, तो माइनस 200, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 124, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 40 और ये 5 कितना 45x, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है, माइनस 200 और माइनस इधर बुला लीजिए इसको प्लस में, तो 124 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको पहले आप जोड़ या घटा दीजिए जो भी हो, फिर इसके बाद ये माइनस वाला पार्ट हटाइए, 45x, और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 324 इक्वल टू 0। अब माइनस जब कॉमन लेंगे और उधर 0 की तरफ भेजेंगे तो आपके पास बचेगा कुछ इस तरीके का पार्ट, जो होगा 45x 3,
यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, टू इजकल टू जीरो, ठीक है। तो फाइनल जो इक्वेशन आपको मिलेगा वो एक्स स्क्वायर 45x प्लस 324 इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करके एक्स की दो वैल्यू आएगी, वही जो होगा जॉन्स का मार्बल होगा और जयवंती का मार्बल होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर जब आप 36x माइनस 9x प्लस 324 से आप देखिए, जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा और इसको जोड़ दीजिए तो 45 आ जाएगा, ये आपको ऑलरेडी मालूम ही है। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू जीरो, तो ये आपको मिल जाएगा दो वैल्यूज, ठीक है। x की एक वैल्यू आई 9 और x की एक वैल्यू आई कितना 36, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू आई ये हमारी आई, तो नंबर ऑफ जॉन मार्बल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जॉन मार्बल मार्बल जो हो जाएंगे 36, और जीवंती का क्या हो जाएगा, जीवंती का आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो जीवंती का मार्बल जो होगा वो हो जाएगा 45 माइनस एक्स माने थे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 45 माइनस 36 आ जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए 9, तो जीवंती का मार्बल 9 होगा और जॉन का कितना होगा 36 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके सेकेंड वाले पार्ट में, ठीक है। तो सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चलिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन दिया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन डे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू 55 मिनट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन द डे ऑन पर्टिकुलर डेज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज, वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे, वन डे में कितने टॉय बन रहे हैं यही आपको करके इनको बताना है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझ समझ के यहाँ पे लिखना होता है, तो आसानी के साथ ये क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है, हमारा सेकंड है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि भाई कितना यहाँ पे टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेट्स द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी, मान लिया हमने क्या एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर बात करते हैं कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय की बात करें तो रुपीस में बात कर रहे हैं तो 55 माइनस एक्स, ठीक है, 55 माइनस एक्स आपको गिवन है, क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द चाय, ठीक है, कितना है रुपीस 750, ठीक है। तो चलिए अब इतना आपको दिया गया है, ठीक है, अब आपको इनको इसका जो प्रोडक्ट दिया गया है उसको लेके हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो x पहला और दूसरा 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, ठीक है। अब इनको क्या करिए, आप सॉल्व करिए। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको इधर बुला लीजिए, 750 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हो जाएगा आपका, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को रखिए माइनस, फिर 50x
ये प्लस में रहेगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो माइनस 750 इक्वल टू जीरो। अब माइनस जब कॉमन लेंगे और उधर भेज देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका, तो 50x और ये प्लस माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आसानी से साथ आप माइनस कॉमन लेंगे, जहाँ जहाँ माइनस वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जहाँ जहाँ प्लस वाला पार्ट है वहाँ हो जाएगा नेगेटिव। अब इस इक्वेशन को करना होगा आपको सॉल्व। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 25x माइनस 30x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 720। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 720, जोड़ेंगे घटाएंगे कितना आएगा 55। ये इक्वेशन सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन करने का मेथड है। आगे चलते हैं। जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 और यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू जीरो। तो एक वैल्यू मिली x माइनस 25, x माइनस 30 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली 25 और x इक्वल टू 30। ठीक है, तो हैंस नंबर ऑफ जो हमारा ट्वाइस विल बी आइदर 25 या 30 आपका टोटल प्रोडक्शन होगा, टोटल पर डेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा था वी वुड बी लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन डे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द नंबर ऑफ ट्वाइस विल बी आइदर 25 और 30, चूँकि ये हमारी वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ पे भी सीधे दिखा सकते हैं, अदरवाइज जो माने हैं x की एक वैल्यू तो 25 हो गई। जब 55 में आप रखेंगे यहाँ पे जो 55 माइनस एक्स माने हैं, तो अगर आप यहाँ पे 25 रखते हैं तो एक x की वैल्यू आप क्या मान लीजिए 25, यहाँ अगर 25 रखेंगे तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 30। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.2 का जो एक्सरसाइज था, तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा जो कि एग्जांपल के रूप में दिया गया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हालांकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।